अगर आप वाहन चलाते हैं तो आपके लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल हिमाचल में पुलिस ई चलानिंग कर रही है। अगर आपने इस चलान को समय रहते पुलिस के पास ही भुगत लिया तो ठीक है, अन्यथा आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आपका चलान कोर्ट में चला जाता है तो उसे भुगतने के लिए आपको समय पर पहुंचना पड़ेगा। आपको वहां कितना समय लगेगा या कुछ कहा नहीं जा सकता। आप पर कितना चालान होगा यह भी न्यायाधीश पर निर्भर करता है। कई बार तो अगर आपने कोई संगीन नियम तोड़ा है तो आप पर भारी भरकम जुर्माना भी हो सकता है। इसके अलावा भी अगर आपने चालान भुगत भी दिया है तो भी आपकी समस्या हल नहीं होती है। इस बात की जानकारी डीएसपी ट्रैफिक रमेश शर्मा ने मीडिया को दी। डीएसपी ट्रैफिक रमेश शर्मा ने बताया कि आज के समय पर प्रदेश की तर्ज पर सोलन में भी ई चालानिंग की जा रही है, जिसमें चालान की सभी जानकारी वाहन चालक के मोबाइल पर भेज दी जाती है। अगर समय रहते वह चालान भुगत लेता है तो उसकी सभी औपचारिकताएं पूर्ण हो जाती है, अन्यथा उसका चालान न्यायालय में भेज दिया जाता है। न्यायालय में चालान भुगतने के बाद उसे चालान की रसीद दी जाती है। ज्यादातर वाहन चालक उस रसीद को अपनी जेब में रख कर बेफिक्र हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में उसके बाद भी औपचारिकताएं रह जाती है, जिसमें वाहन चालक को वह रसीद यातायात पुलिस के पास जमा करवानी होती है। उसके बाद ही पुलिस के सिस्टम से चालान को सूची से हटाया जाता है, जिसका असर वाहन बेचते समय दिखता है, क्योंकि वह तब तक वाहन बेच नहीं पाएगा जब तक चालान की रसीद यातायात पुलिस को नहीं दिखाता है। उन्होंने कहा कि यह इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी न्यायालय को ई चालानिंग सिस्टम से जोड़ा नहीं जा सका है। देखिए, जो चालान की जो समस्या है, क्योंकि अब ई चालानिंग की जा रही है, ई चालानिंग में यह है कि जो भी चालान है हम मोबाइल फोन्स के जो ऐप है उसमें किया जाता है, ई चालान होता है, क्योंकि अब जो मैनुअल चालान हम जारी नहीं कर रहे हैं। ई चालान की जो हमारी अभी तक जो इसकी जो सिंक्रोनाइजेशन है वो माननीय अदालत के साथ अभी तक नहीं हुई है। तो जो भी वैसे तो जो चालान, अधिकतर चालान तो हमारे पुलिस के पास ही लोग उसको भुगतान कर लेते हैं, तो हम तो जो पुलिस के पास भुगतान होता है वो तो सिस्टम में अपने आप ही वो अपडेट हो जाता है, लेकिन अदालत को जो है हम उसका प्रिंट आउट लेकर भेजते हैं, और अदालत में यदि कोई भुगतान करता है, क्योंकि वहाँ पर अभी ये ई चालानिंग के भुगतान की व्यवस्था नहीं है ऑनलाइन की, तो वहाँ पर मैनुअली जो भुगतान किया जाता है, तो वहाँ पर यही अनुरोध किया जाता है वाहन चालक से कि वो जाकर संबंधित थाना या यातायात ऑफिस में जाकर सिस्टम में उसको अपडेट करवाएं, जो चालान उन्होंने भुगता है वो रसीद वहां पर दिखाएं, ताकि उनका जो चालान है वो सिस्टम में स्टैंड ना रहे और सिस्टम में अपडेट किया जाए। बाकी इसके बारे में हमारे मुख्यालय के माध्यम से माननीय अदालत से भी चला हुआ है कि ये आपस में जो है लिंक हो जाए, ताकि जब भी वो चालान भुगते तो ऑनलाइन ही उसका भुगतान हो जाए, क्योंकि चालान जब ऑनलाइन हो जाता है तो वो सिस्टम में रहता है। और यदि कल आपने कोई वाहन की कोई एनओसी लेनी है, आपने वाहन की कोई पासिंग करवानी है, तो जब भी आप किसी आरएलए के पास जब उसको आप जाएंगे, जैसे वो आपके वाहन की डिटेल को खोलेगा तो उसमें वो चालान जो है शो हो जाते हैं, वो स्टैंड हो जाते हैं, और जब तक उन चालानों का भुगतान नहीं होता तब तक जो है आरएलए जो है उस पर ना तो कोई एनओसी जारी कर पाएंगे, ना ही कोई उसकी रिन्यूअल या ट्रांसफर जारी कर पाएंगे। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है।